अक्सर हम बाजार जाके अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और मन भी करता रहता है, आखिर भगवान ने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई इसलिए कि हम सब खाएं और इन्जॉय करें। तो सबका घर में मन था है कुछ राजस्थानी खाने का, बाजार जाने से अच्छा मैंने बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल थाली जो घर में ही बना ली, एकदम परफेक्ट, ऊपर से सुपर सॉफ्ट क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम बाटी। अभी आप आवाज़ सुनेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी अच्छी बाटी मैंने बना के तैयार की, और वो भी पहली बार में ही। आज मैंने पहली बार, एक बार मैंने बाज़ार में खाया था ये दाल बाटी और चूरमा, तो मैंने कहा चलो आज इसको अपने स्टाइल में घर में ट्राई करते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वैसे ना बनी हो, लेकिन बहुत स्वाद बनेगी और खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, और अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम घी में डूबी हुई। इतनी अच्छी बाटी मिल जाए तो, वैसे रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा है घी वाला खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन कभी कभी तो खाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दाल बनाने की तैयारी शुरू की। इसके लिए 2-3 चम्मच के लगभग अरहर की दाल, 2 चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच जो है उड़द छिलका, 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच काले मसूर और 2 चम्मच मूंग की छिलके वाली दाल ली है। सारी दालों को अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसे फटाफट से ताजे पानी के अंदर भिगो देंगे। 10-15 मिनट दाल जब भूख भीग जाती है ना तो बहुत अच्छी नरम मुलायम दाने बनके तैयार होते हैं। इतनी देर दाल भीग रही है, इतनी देर हम बाटी और चूरमे की तैयारी कर लेते हैं। 1.5 कप मैंने आटा लिया और 1/4 कप यानी 2 से 3 चम्मच सूजी ली है, क्योंकि अब बाटी बनाने के लिए ना थोड़े मोटे पीसे हुए आटे की ज़रूरत होती है जो कि अक्सर घर में नहीं होता। अब इसमें बिल्कुल 1 चुटकी नमक डाला, 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाला, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा और सफ़ेद तिल 1 चम्मच डाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद 3 से 4 चम्मच छोटे वाले TSP मान लीजिए या 1/4 कप कटोरी के हिसाब से जो है मैंने इसमें घी डाल दिया है। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो बाटी से चूरमा बनता है ना वो बताऊँगी। बहुत क्रिस्पी बना था और बहुत ज़्यादा नरम मुलायम, खाने में बिल्कुल मज़ा ही आ गया। इतना अच्छा चूरमा हमारा बन के तैयार हुआ। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसका एक सेमी हार्ड डो लगा के तैयार कर लेंगे। जैसा हम पूरी के लिए लगाते हैं वैसा भी नहीं लगाना, और जैसा पराठे के लिए नरम लगाते हैं वैसा भी नहीं लगाना। ये देखिए, वैसे अगर आप थोड़ा बहुत हार्ड या थोड़ा सॉफ्ट लगा लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ जो एक तरीका होता है उस वो यही होता है कि बस एक हार्ड सा डो लगाएंगे और इसको ढक कर रख देंगे। अब लगाएंगे बाटी के लिए डो। इसके लिए मैंने 2.5 कप के लगभग गेहूँ का आटा लिया है, 1/2 कप मैंने सूजी ली है। कोई भी एक कटोरी बना लीजिए, उससे नाप लीजिए, बहुत बढ़िया बाटी बनेगी। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को मैंने हाथों में पहले ही क्रश करके रखा हुआ है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालने पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन बहुत बढ़िया बनके तैयार होता है। और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है। इस तरह से मसाला बाटी बनाएंगे ना तो बहुत स्वाद आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। 1/2 चम्मच सोडा डालना पड़ेगा तभी हमारी बाटी अच्छी खिली खिली यानी कि फूली फूली बनेंगी और अंदर से एकदम खस्ता बनेंगी। अब इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। वैसे आप थोड़ा सा कम डाल सकते हैं या चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर असली में मज़ा लेना है ना तब तो आपको इतना घी डालना ही पड़ेगा। रोज़ रोज़ हम इतने घी का खाना हम भी नहीं खाते, लेकिन कभी कभी जब मन करता है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी सारी बाटी बनी है, मतलब कम से कम 5 से 6 जनों के लिए काफ़ी है ये पूरा खाना। तो इतना खाना अगर आप राजस्थानी स्टाइल बाजार जाके खाएंगे ना तो 2-2.5 हज़ार रुपये लगेंगे, जबकि घर में ये 30 मिनट में तैयार हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये लगा। वो भी सिर्फ किस लिए लगा, क्योंकि इसमें देसी घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें टोटल मिला के मुझे 150 से 200 ग्राम के लगभग देसी घी लग गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप 200 ग्राम घी पहले ही अलग रख लीजिए और 5 जनों का खाने के हिसाब से तैयार कीजिए। अब बाटी का आटा लग गया, इसको ढककर रख देंगे। अब दाल बनाने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। उसमें 3-4 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग डाल दी, 1 चम्मच जीरा डाल दिया, 1/4 टीस्पून हींग डाल दी, 1 चम्मच पीसा हुआ अच्छे से लहसुन डाल दी और 1 चम्मच पीसा हुआ अदरक। इन दोनों चीज़ों का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 2-3 हरी मिर्चें जो है बारीक चॉप करके डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से 15 सेकेंड तक भून लीजिए। जब अच्छे सुनहरे हो जाए तो इसके अंदर 1 कप प्याज डाला है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज से उनको बारीक चॉप कर लिया और वो डाल दिया। मैं चाहूँ तो आपको चॉपिंग दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझको लगता है ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी होती है और चॉपिंग तो आपको सबको ही आती है, कैसे भी चॉप कर लो। वैसे भी आजकल चॉप एक्चुअली में करता ही कौन है, सबके पास चॉपर होता है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे इलेक्ट्रिकल, और उसमें सारा काम हमारा जल्दी हो जाता है। कभी मैं आपको अपना चॉपर दिखाऊँगी।
एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि बिल्कुल भी जलने ना पाए। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा। अब एक कप दो टमाटर की प्यूरी बना के डाल दी। ये भी वैसे मैंने प्यूरी नहीं बनाई है, बस हल्का सा दरदरा पीस लिया चॉपर में। अब डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से चलाते रहेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मसाले को जब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से सारे मसाले आपस में मिक्स ना हो जाएं और इनमें से अच्छे से ऑयल रिलीज ना हो जाए। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, 2-3 चम्मच, और फिर उसको अच्छे से भून लिया। ये देखिए कितना अच्छा मसाला भून के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर दाल डाल देंगे। अब मैं अगर चाहें तो आप दाल अलग बॉयल करके फिर तड़का लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बनाना हो ना तो ये तरीका बेस्ट रहता है, उसमें भी दाल अच्छे से गल जाती है। सारे मसाले को दाल के साथ अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। जितनी हमने दाल ली है, ये कम से कम 1.25 कटोरी दाल है, तो आप मान के चलिए इसके अंदर 6 कटोरी पानी तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाटी के साथ दाल बनाते हैं ना वो हल्की सी पतली होती है। अगर आप गाढ़ी दाल बनाएंगे एक तो वो बाद में और गाढ़ी हो जाएगी, और दूसरा क्या रहेगा कि बाटी जो है उसमें अच्छे से आप सोख नहीं हो पाएगी। तो अगर आप बाटी के साथ दाल बना रहे हैं ना तो थोड़ी पतली बनाएं। बस अब दाल के अंदर मैंने पानी 6 कटोरी डाल दिया और कुकर का ढक्कन लगाएंगे और गैस बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी लगाएंगे 5 मिनट लो फ्लेम पर, और फिर ढक्कन रखा रहने देंगे। जब सारी विसल निकल जाएगी तो इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और परफेक्ट दाल तैयार। पर अभी कहाँ से तैयार, अभी तो एक स्पेशल इसमें तड़का भी लगाएंगे और ये तड़का आपको बहुत स्वाद लगेगा, एकदम लहसुनी दाल जो कि जो बहुत बढ़िया बाटी के साथ जाएगी। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े लहसुन के काटे और वो डाल दिया। 2 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। बस इतना बढ़िया तड़का जब दाल में लगेगा ना तो कोई खाने से मना नहीं करेगा। एक बार आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई जरूर करें। अगर आपको भी अलग अलग तरह का खाना बनाना और खाना पसंद है ना तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। राजस्थान के वैसे तो सारे ही खाने बढ़िया होते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। बस अब हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और इसको हम रख देंगे साइड में। आप ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी है, आप चाहें तो थोड़ा और पतला कर सकते हैं। इतनी देर जो बाटी का आटा है ना वो भी अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए इसके अंदर अभी से ही सोडा डालने के कारण कितनी अच्छी जाली बनी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो बाटियाँ बनेंगी ना वो कितनी फूली फूली और मज़ेदार बनेंगी, अंदर से एकदम खस्ता और बाहर से एकदम क्रिस्पी। ये देखिए इसकी जाली, इससे बाटी बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी, देखने से ही पता चल रहा है। अब हम नींबू के आकार के गोले लेंगे। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी बाटी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बाटी बनाने से ना कभी कभी वो अंदर से कच्ची रह जाती है और अच्छे से सिकती भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपकी बाटी अंदर से भी एकदम खस्ता बनेगी। इस तरह बाटी की कटोरी जैसी बनाइए और अंदर से हल्का सा इसके अंदर या तो पानी का या घी का हाथ लगा दीजिए। घी भरना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का टच करना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर बीच में हल्की सी हवा सी रह जाएगी या गड्ढा सा बन जाएगा, जिसके कारण अंदर से हमारी बाटी में गांठ नहीं रहेगी और एकदम खस्ता बनेगी। और ऊपर से इस तरह से हल्के से अंगूठे से दबा दीजिए। लिट्टी और बाकी बाटी के अंदर यही डिफरेंस होता है कि लिट्टी जब बनाते हैं गोल गोल बॉल जैसी होती है, और बाटी जब बनाते हैं ना तो बाटी माने हल्की सी प्रेस की हुई होती है। इस तरह से बनाइए, बीच में हल्का सा घी का या ऑयल का हाथ लगाइए और अंगूठे से इस तरह से दबा दीजिए। तो बस हमारी सारी बाटियाँ बहुत बढ़िया इस तरह से बन के तैयार हो जाएंंगी। 2.5 कप आटा और 1/2 कप वो ली थी सूजी, और उसमें बहुत सारी बाटियाँ बन गई, कम से कम 16-17 बाटी बनी है जो कि 5 जनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2 या 3 से ज़्यादा बाटी किसी से नहीं खाई जाएंगी, इतनी हैवी और खस्ता होती है। अब जो दूसरा हमने बाटी जिसका चूरमा बनाना है उसकी भी इसी तरह से हम बाटियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। बस गोल 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 बनाएंगे, बीच में हल्का हल्का घी का हाथ भरेंगे और इस तरह से उसको कवर कर देंगे। बाटी बनाने का ये तरीका आपने कभी भी नहीं देखा होगा और ये आपको पसंद तो आएगा ही, साथ में जो आपकी प्रॉब्लम रहती होगी ना कि बाटी थोड़ी हार्ड रह जाती है या अंदर से सूखा सा आटा रह जाता है वो भी नहीं रहेगी। ये देखिए, और इनके कलर की वजह से, क्योंकि जो नॉर्मल नमक वाली बाटी है उसमें हमने हल्दी डाली है तो भी बिल्कुल अलग लग रही है, और जो दूसरी नॉर्मल चूरमे वाली बाटी है ना उसको मैंने केवल 6 बाटियाँ बनाई हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। कढ़ाई में तेज गर्म कढ़ाई कीजिए, उसके ऊपर कोई भी छन्नी रखिए, दूध वाली है जो भी छन्नी आपके पास मौजूद हो, इस तरह से उसके ऊपर बाटियाँ रख दीजिए। कोई ऑयल लगाने का झंझट
चटनी, ना ही नीचे नमक का झंझट, कुछ नहीं करना। बस सिंपल एक एक करके बाटी रखते जाइए। बस हाँ, इस बात का फ़र्क है कि इस तरह अगर आप बाटी बनाएंगे ना तो लगभग आपको 30 मिनट लगेंगे, और ओवन में भी मैंने सेकी है उसमें कम टाइम लगेगा, उसमें 22 या 20 मिनट के आसपास लगेंगे। बस इस तरह से हमारी साड़ी बाटियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएंगी। हर 7 से 8 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो रखना है, मीडियम हाई और मीडियम लो के बीच में। तो और हर 10-8 मिनट के बाद हमें 3 से 4 बार बाटियाँ पलट देनी है। जब ये 3-4 बार पलटेंगे ना तो इनमें क्रैक देखिए अपने आप ही आने शुरू हो गए। दैट मीन्स बाटी बहुत अच्छे से सीखना स्टार्ट हो गई है, और जब पूरी सीख जाएगी उसके बाद तो इतनी खस्ता बाटी बनी थी ना, गरम गरम तो एकदम टूट रही थी। ठंडा होने के बाद हल्की सी बाटी हार्ड हो जाती है, तो आप उसको एक बार फिर गर्म कर लें या तेज़ गर्म घी में डाल दें, एक ही बात रहती है। अब पहले मैंने वो वाली बाटियाँ निकाल ली जिनका चूरमा बनाना है। ये देखिए अच्छे से खिस जो है ऊपर से सीख गई है और सुनहरी हो गई है। ये देखिए कितनी नरम है ना अंदर से। बस पहले इनको हम तोड़ लेंगे, बहुत गर्म है अभी ये, और जल का हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसको दरदरा पीस लेंगे मिक्सी के जार के अंदर, क्योंकि चूरमा बनाना है बिल्कुल हल्का सा, यानी कि आप 10 सेकंड के लिए भी मिक्सी चलाएंगे उसमें इसका चूरा हो जाएगा। इतनी नरम बाटी बनके तैयार हुई है। और इतनी देर क्या करेंगे, मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी लिया है, उसमें डाल दिए चॉप्ड काजू और बादाम, क्योंकि मुझको तो बहुत बढ़िया इसके ऊपर जो है चूरमा चाहिए, और उसमें चूरमे वाले लड्डू भी बनाए, चूरमा भी बनाया, मतलब जो भी कुछ बन सकता है ना राजस्थानी थाली में मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं। और आप सबको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पसंद कर लीजिएगा। बस लो फ्लेम पर अच्छे से काजू बादाम को हम जो है सुनहरा होने तक सेक लेंगे, फिर उसके अंदर 20-25 किशमिश डाल दी, क्योंकि हमारे घर के बच्चे तो बिना किशमिश के कुछ खाएंगे ही नहीं। और ये देखिए मैंने सिर्फ 10 सेकंड चलाया है 2 बार, 10-10 सेकंड पल्स मोड पे, और कितना अच्छा चूरमा बन के तैयार हुआ है, एकदम अच्छे से सिका हुआ है, आपको इसके कलर से ही पता चल रहा होगा। और इसके अंदर 1 कटोरी के लगभग मैंने बूरा या तगार डाल दिया, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो अपने ड्राई फ्रूट। लेकिन उससे पहले हम सारे चूरमे को बूरा के अंदर मिक्स कर देंगे। चूरमा अभी भी थोड़ा गर्म है, और लड्डू बनाने हो तो चूरमे का गर्म रहना ज़रूरी है, तभी जो है लड्डू अच्छे से बनेंगे। अब वो जो घी में फ्राई किए हुए काजू किशमिश और बादाम थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। कढ़ाई में थोड़ा सा घी लगा रह गया था, उसको भी मैंने चूरमे के साथ कढ़ाई के अंदर प्लेट में वापस निकाल लिया। बस अब इसको हल्के हाथ से हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, क्योंकि घी काफ़ी तेज़ गर्म है तो इस वजह से चूरमा जो है वो एकदम नरम पड़ जाएगा, और इसके बहुत बढ़िया एकदम गोल्डन कलर के लड्डू चूरमे के बनके तैयार हुए हैं। ये आप लड्डू एक दिन रोज़ एक खा लेना तो उसके बाद आपको सारा दिन भूख ना लगे, और अगर ये पूरी थाली आप खा सकें जो कि एक इम्पॉसिबल है, जितनी थाली मैंने सर्व की थी उसमें 7-8 बाटी थी, वो 2 से 3 जने खा सकते हैं, बस आपको दाल और लेनी पड़ेगी। तो अगर आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए, मेरी कोशिश अच्छी लगे, तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट रेसिपी बनाई है, बस नमक और लाल मिर्च दाल में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मीठा बिल्कुल ठीक है, बाटी बिल्कुल खस्ता बनी है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। सेकना के टाइम मैंने आपको बिल्कुल एकदम सही बताया है कि कढ़ाई के अंदर आपको 30 मिनट तक आराम से लगेंगे, और अगर आप ओवन में सेकेंगे तो 180 डिग्री पर आपको 20 से 22 मिनट लगेंगे, और उसमें भी हमें 2 बार पलटना पड़ेगा, और कढ़ाई में 4 बार कम से कम पलटना पड़ेगा। ये देखिए बातें करते करते कितने बढ़िया हमारे चूरमे के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इतनी अच्छी थाली और इतना अच्छा चूरमा अगर मिल जाए तो बात ही क्या है। ये देखिए कढ़ाई वाली बाटियाँ कितनी अच्छी सुनहरी सिक गई हैं, और बहुत ही बढ़िया देखने में भी लग रही हैं। बस अब घी को मैंने तेज़ गर्म किया है और बाटी को उसके अंदर डाल दिया। अब घी को अगर आप गर्म लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये अच्छे से घी एब्जॉर्ब करेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप बिना घी के भी बाटी खा सकते हैं, पर अगर कैलोरी कॉन्शियस हैं तो भी मैं तो कहूँगी कि एक बार राजस्थानी खाना खाने का मूड है और ट्राई करने का तो घी में डुबो के ही खाइए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, या 2 दिन हल्का खाना खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, जैसे कि मैं भी अब अगले दिन खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, एकदम नई तरीके की खिचड़ी जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये चलिए अब थाली लगाने की तरफ चलते हैं। मेरे घर का एक मेंबर है जो मेरी इस काम में बहुत हेल्प करता है, और मैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नया काम है। वो थाली को घुमा रही है और मैं इस तरह से सामान रखती जा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम रसीली बाटी बनी है, अंदर तक घी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, और अगर आप चाहें तो ऊपर से और घी डाल सकते हैं, वो सब टोटल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक बाटी तोड़कर दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी खस्ता और सुनहरी सिकी हुई बाटियाँ बनी हैं, और ये जो इसके क्रैक्स हैं इन्हीं से पता लग रहा है कि ये अच्छे से सिक गई है। ये देखिए कितनी खस्ता बाटी बनके तैयार हुई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। मैं रोज़ रेसिपी लाती हूँ। थैंक यू।